नमस्कार, मैं हूं रजनीश दीक्षित। आप देख रहे हैं शेष उत्तराखंड। एक और जहां जम्मू कश्मीर और बॉर्डर पर लगातार आतंकी घटनाएं हो रही हैं, तो वहीं अब आज हम चर्चा करेंगे अग्निवीर योजना को लेकर। क्योंकि युवाओं के अंदर पहाड़ में खासतौर पर काफ़ी क्रेज है सेना में सेवा करने को लेकर। अब सरकार ने घोषणा की है कि 20% जो CRPF और BSF में भी अग्निवीर के जवानों को आरक्षण दिया जाएगा। 10% तक के जो अग्निवीर होंगे उनको लिबर्टी देने के साथ साथ उनको एज रिलैक्सेशन भी देने की बात हो रही है। इसके अलावा सेना में तो 20% अग्निवीरों को शामिल करने की बात है। लेकिन क्या सोचता है युवा, पहाड़ का युवा, अग्निवीर योजना को लेकर? क्या कुछ सेना में जाने को लेकर युवाओं के जो सपने हैं उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। हम DAV कॉलेज में मौजूद हैं, यहाँ के छात्र भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सुन रहा है आपका? मेरा नाम सुमित कुमार है और इस टाइम वर्तमान में छात्र संघ महासचिव हूँ DAV महाविद्यालय में। हम आज चर्चा कर रहे हैं अग्निवीर योजना को लेकर। अग्निवीर योजना से युवाओं के मानस पटल पर क्या स्थिति है? देखिए, अग्निवीर योजना से मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ फर्क पड़ा है युवाओं पे। जो देश की सेवा करना चाहता है वो कभी ये नहीं देखेगा कि उसको फायदा और लाभ नहीं देखेगा अपना। देश की सेवा करने वाला व्यक्ति कभी ये नहीं सोचता है कि उसे क्या फ़ायदा मिल रहा है और क्या नुकसान हो रहा है। हाँ, परंतु सरकार से निवेदन है कि जो अग्निवीर योजना है 4 साल से उसे थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। उसे 4 साल में एक युवा भी परिपक्व भी नहीं हो पाता है। थोड़ा और अच्छा उसे थोड़ा सा सुधार हो, इसे थोड़े और इसमें 4 साल से ज़्यादा इसकी आयु बढ़ाई जाए, इसमें थोड़ा और संशोधन किया जाए, इसमें थोड़ा और जो हमारे भी देखा कुछ टाइम पहले हमारे 5 जवान शहीद हुए उत्तराखंड के हमला हुआ है। देखिए, उत्तराखंड ऐसा प्रदेश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सेना में जो भर्ती होते हैं जवान और जो उत्तराखंड से होते हैं। आप उत्तराखंड किसी भी राज्य जिले में चले जाइए, किसी भी गाँव में चले जाइए, हर एक गाँव का एक बच्चा कोई ना कोई इसमें फौज में ज़रूर होगा। तो हमारे सरकार से यही निवेदन है, रक्षा मंत्रालय से निवेदन है कि इस योजना में थोड़ा सा और इसको सुधारा जाए और इसमें थोड़ा और इसे बेहतर किया जाए। देखा आपने, जो देशभक्ति का जो जज्बा है वो कम नहीं हुआ है, जोश बरकरार है। लेकिन सरकार से गुजारिश है कि अग्निवीर की जो समय सीमा है कार्य करने की उसको बढ़ाया जाए ताकि एक स्थायी रोजगार के तौर पर युवाओं को ये मिल सके। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक राणा है। दीपक जी, क्या सोचते हैं अग्निवीर? सरकार ने ऐसा तो नहीं है कि अग्निवीर के कोई वो है गलत है, ऐसा नहीं है। देखो, जिस युवा को जैसा हमारा उत्तराखंड है, यहाँ से सबसे ज़्यादा आर्मी में ऑफिसर है, कोई आर्मी में किसी उस बहुत सारे हमारे ऐसा कोई गांव नहीं है उत्तराखंड का जहाँ से एक गांव से 10-10 फौजी हमारे भाई लोग सेना में वो नहीं कर रहे होंगे। तो हमें नहीं लगता कि अग्निवीर पर, हाँ इतना है कहना चाहता हूँ मैं अपने माध्यम से कि अग्निवीर के जो 4 साल का रखा है उसे थोड़ा सा बढ़ जाए या कुछ से थोड़ा सा वो लगाया है सरकार। तो क्योंकि 4 साल में 1 साल की आपकी ट्रेनिंग, 9 महीने की ट्रेनिंग होगी अग्निवीर की, 3 साल बचता है। तो उसमें मैं नहीं समझता कि युद्ध हमारा जो युद्ध है जो जाता है वो प्रपट हो पाता है, उतना नहीं कर पाता है। तो कुल मिलाकर समय सीमा बढ़नी चाहिए सेवा की। अच्छा, हमें सुनने वाला था पहाड़ के जो युवा हैं उनकी शादी को लेकर भी दिक्कतें आती हैं। अब लोग सोचते हैं कि अग्निवीर चूंकि टेम्परेरी जॉब है, परमानेंट नहीं है, सेना में सैनिक बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या स्थिति रहेगी? तो इसको लेकर क्या कुछ युवाओं में मन में चल रहा है? मेरा नाम दीपांशु है और मैं अग्निवीर के जो समय अंतराल है मैं इसके विरोध में हूँ। कहीं ना कहीं उत्तराखंड का जो सबसे ज़्यादा जो सेना में भर्ती होते हैं उत्तराखंड के लड़के भर्ती होते हैं जो कि सीधा सीधा 4 साल का जो कर दिया है। तो इसमें 4 साल का कोई ये वो सर्टिफिकेट तो है नहीं जो 4 साल के लिए आप दे रहे हो। भारत के लिए भारत का माँ का लाल है, ठीक है, जब तक वो चाहे उधर सेना में भर्ती हो सकता है। और कहीं ना कहीं यो युवा शहीद हो रहा है तो उसे कुछ शहीद होने के बाद उसे कुछ वो नहीं मिल रही, राशि नहीं मिल रही आगे से, तो इसके खिलाफ में हम। तो देखा आपने, मिली जुली राय है, कुछ लोग कुछ युवा खिलाफ में भी हैं। आप क्या सोचते हैं अग्निवीर में जो टेम्परेरी जो सेना के साथ एक्सपेरिमेंट हुआ ये कहाँ तक सही है? ये सही है लेकिन इतना भी सही नहीं है क्योंकि जो तैयारी कर रहे थे, जो भी सोच रहे थे कि हाँ आगे बढ़ेंगे अपनी ज़िंदगी में, करेंगे कुछ देश के लिए, लेकिन यह है कि जब ये ख़त्म हुआ अग्निवीर आया तो अग्निवीर में काफ़ी लोगों ने तैयारी छोड़ दी, वो पीछे हट गए उस चीज़ से कि फ़ायदा क्या इसका, 4 साल करेंगे उसके बाद फिर घर पर बैठना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट वैसे ही हो जाएगा? हाँ, कहीं ना कहीं हो जाएगा, लेकिन यह है कि जो करेगा वो कर भी लेगा ये चीज़। अच्छा, स्किल ट्रेनिंग की भी बात हो रही है कि वो स्किल्ड हो जाएंगे और उसके बाद उनको अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा अन्य नौकरियों में? ये वो तो एक बात की बात है, आप सुविधाएं मिलेंगी और उनको क्या सुविधाएं मिल रही हैं क्या नहीं मिल रही एक बात की बात है। परंतु जो एक जवान होता है उसके अंदर सबसे बड़े उसके भारत माँ के लिए सोचता है, वो अपना सर्वोच्च बलिदान देता है देश के लिए, वो शहीद होता है। आप देखिए, कुछ टाइम पहले जो जवान शहीद हुए उन्होंने कभी थोड़ी सोचा होगा कि उनको सुविधाएँ क्या मिलेंगी, उन्होंने सिर्फ ये सोचा था कि वो देश की सेवा करेंगे। वो अगर उस वरना शहीद होने के लिए फायदे में कोई हट सकता है, बच सकता है। कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है कि अगर समय सीमा नहीं बढ़ी तो इसमें कहीं ना कहीं
मुझे ऐसा लगता है कि फ़र्क आएगा ज़रूर, युवाओं में रुझान कम होगा। अगर क्या होता है कि चार साल क्या होता है, चार साल मुझे लगता नहीं कि चार साल में कोई जितना वो खुद भी सीख पाएगा अपने आप को। आप चार साल में एक देश की सेवा करने वाले फौज को तैयार नहीं कर सकते। कुल मिलाकर ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है युवाओं के साथ अग्निवीर? यस सर, बिल्कुल हो रहा है एक्सपेरिमेंट, और जिस पर जो है युवा बहुत ज़्यादा असमंजस में है कि करे क्या। जो लोग, जो युवा अपना देश में सेवा देना चाहते थे, वो अब कन्फ्यूज़न में है कि हम जाएँ कि ना जाएँ, हमारा करियर पूरा खतरे में है कि नहीं है। सरकार तो एक्सपेरिमेंट कर रही है, बट युवाओं की जो सक्सेस वो नौकरियां दांव पे लग गई हैं पूरी, ठीक है। इस हिसाब से जो है युवाओं के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है इस टाइम पर। तो ये अग्निवीर से निराशा है युवाओं? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है कि बच्चा है अपना जो है 21-22 साल में अपना करियर बनाता है, वो चार साल फौज में जाएगा, उसके बाद जब वो 26-27 का हो जाएगा फिर वो बेरोजगार हो जाएगा, क्या करेगा वो ज़िंदगी में, ये भी है ना। तो इस चीज़ को सरकार को इस चीज़ के लिए सोचना चाहिए कि चार साल बाद क्या करेगा युवा। सरकार कह रही है कि हम 20 लाख रुपये एकमुश्त देंगे आफ्टर रिटायरमेंट अग्निवीरों को। जी मैं तो अग्निवीर के साथ हूँ, क्योंकि हर किसी को चांस मिलेगा। अगर एक फौजी है तो वो 60 साल तक अपनी सीट रिजर्व करके रखता है, और अग्निवीर में फिर जो एक बार भर्ती हो गया तो कुछ साल बाद किसी और को उसकी सीट मिल सकती है। बस ये तो आपका ये मानना है कहीं ना कहीं इससे आने युवाओं को मौका मिलेगा, इसलिए आप अग्निवीर? हर किसी को मौका मिलेगा, और जो फौजी होता है वो कभी ये नहीं सोचेगा कि मैं ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ या कम कमा रहा हूँ। उससे बस अपने देश की रक्षा करनी है, चाहे वो 1 साल करे, 2 साल करे, 60 साल करे। अच्छा, तो आप देख रहे हैं युवाओं की मिली जुली प्रतिक्रिया है, लेकिन ज़्यादातर युवाओं को यही कहना है कि अग्निवीर की जो समय सीमा है उसको बढ़ाना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट का जो टेनओवर है उसको लंबा करना चाहिए। इसके अलावा जो एक देशभक्ति के जज्बे में तो कमी नहीं है, लेकिन युवाओं के सामने असमंजस की स्थिति जरूर है कि एक और वो एक देश सेवा के साथ साथ अपना रोजगार भी सुनिश्चित करते थे इस सेना में जाने के साथ साथ, तो उसमें कहीं ना कहीं एक चोट पहुंची है और उससे हताशा भी युवाओं के मन में आई है। कैमरन पंकज सलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, देहरादून। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।